Subscribe our channel for latest news and updates and don't forget to press bell icon for latest notifications. जैसे जैसे हरियाणा में चुनाव की तारीख नजदीक आने लगी है, सभी राजनीतिक दलों ने अपने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। हर उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव प्रचार में जुटने लगा है। इसी के मद्देनजर हिसार से जजपा प्रत्याशी जितेंद्र श्योराण ने भी अपने चुनाव प्रचार में जान फूंक दी है। जितेंद्र श्योराण ने हिसार के सत्यनगर में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के लोगों ने बड़े जोशो खरोश के साथ शिरकत की। यहां पहुंचने पर जितेंद्र श्योराण का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। जजपा के वहां उपस्थित विभिन्न नेताओं ने पार्टी के चुनावी घोषणाओं से जनता को रूबरू कराया। दुष्यंत चौटाला व जननायक जनता पार्टी के लिए चाबी के निशान पर मोहर लगाने की गुजारिश की। ऐसे में उन्होंने भाई जितेंद्र श्योराण को वोट देने की अपील की। इस मौके पर वर्तमान सरकार व मौजूदा विधायक पर भी जजपा पार्टी के कार्यकर्ता तीखे तंज कसते नजर आए। आज की इस जनसभा में उपस्थित हमारे हर दिल प्यारे और भाई दुष्यंत चौटाला के सिपाही जननायक जनता पार्टी के हिसार विधानसभा के उम्मीदवार, मैं तो ये कहूंगा उम्मीदवार नहीं बल्कि 24 तारीख को आप इनको हिसार का विधायक निश्चित करने जा रहे हैं। साथी, जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके का वातावरण पूरे हिसार की गली गली में, पूरे बाजार में, जहां भी चर्चा है, तो आपके इस नौजवान दोस्त, नौजवान भाई, नौजवान बेटे भाई जितेंद्र श्योराण का नाम गूंज रहा है कि अगला विधायक हिसार का जितेंद्र श्योराण हो। जितेंद्र श्योराण ने अपने आप को बतौर समाज सेवक पेश किया और लोगों के सामने अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद पेंशन को बढ़ाकर 5100 रुपए किया जाएगा और बेरोजगारों को रोजगार जरूर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई दुष्यंत को सीएम और मुझे यहां से विधायक बना दो, ऐसे में आपको कोई भी समस्या नहीं आने दूंगा। आप भी जानते हैं कि पिछले 5 साल में विकास के नाम पर हमारे शहर हिसार ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में एक ईंट तक नहीं लगाई गई। जो काम थोड़े बहुत हुए हैं वह भी सरकार की उपलब्धि नहीं है, जैसे सड़कों के काम होते हैं। जब एक ठेकेदार सड़क बनाता है तो उसका 5 साल का लायबिलिटी पीरियड होता है कि उसको 5 साल तक उसका रख रखाव करना है। अगर कोई सड़क टूटी है तो उसको नया बनाने में सरकार का कोई योगदान नहीं है, वह उसी ठेकेदार के कारण बनाया जाता है कि जो 5 साल का लायबिलिटी पीरियड होता है। ज्यादातर हमारे युवा हल्का अध्यक्ष अहुजा जी ने बताया कि आवारा पशुओं का जो मुद्दा था, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यह मौजूदा सरकार 2017 में सिर्फ और सिर्फ कागजों में हिसार को आवारा पशु घोषित कर चुकी है। उसकी आवाज उठाने का काम किया आपके इस छोटे भाई और बेटे ने। जब उनकी पोल खोलकर उनको बताया कि यह उनके अखबारों की कटिंग जब उनके आगे रखी और आरटीआई के माध्यम से पता लगाया और उनकी आंखें खुली तो उन्होंने कहा हमसे बड़ी गलती हो गई, हमें तो पता ही नहीं कि आवारा पशु मुक्त हिसार कब हो गया। तब मैंने उन्हें चेताया और कहा कि आप गायों को पकड़ने का काम शुरू कीजिए, नहीं तो जो गायों का आज आप आवारा बढ़ा रही हैं, यही आवारा गाय हम ला करके आपकी कुर्सियों पर बैठाने का काम करेंगे और आपको सड़कों पर गायों की जगह आवारा घुमाने का काम हिसार की जनता करेगी। उस डर से इन्होंने सोचा कहीं अगर ऐसा सच में हो गया, हमें सड़कों पर आना पड़ गया तो हम जनता को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। उसके डर से इन्होंने कुछ दिन गायों को पकड़ने का भी अभियान आपने पीछे सुना होगा कि इन्होंने बड़े जोर शोर से शुरू किया था। वो अभियान इनका फोटो सेशन तक शुरू होकर रह गया कि नेता आए फोटो खिंचवाए, गाय के रस्सा पर डाल रहे हैं मजदूर जो मेहनत कर रहे हैं, भाग भाग के उनके पीछे रस्सा डालने के बाद रस्से के हाथ लगाकर फोटा खिंचा रहे हैं नेता। तो क्या ये बात सही है? मैं आपके बीच आज पहुंचा हूं तो ये देवराज जी जननायक जो नाम से जाने जाते हैं उनके आशीर्वाद के रूप में दुष्यंत चौटाला जी ने मुझे आपके रूप में आपके पास भेजा है अपना सिपाही बना करके कि वे शहरवासियों के संघर्ष की लड़ाई जो मैं इतने दिनों से लड़ते आ रहा हूं उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मुझे उन्होंने आपके बीच में भेजा है। और आपसे उम्मीद करता हूं कि आने वाली 21 तारीख को अपना एक एक कीमती वोट चाबी के निशान पर डालकर अपने छोटे भाई और बेटे को विधानसभा भेजने का काम करेंगे ताकि हम प्रदेश
कि जनता जो देवीलाल के सपनों का हरियाणा चाहती थी उसको बनाने के लिए दुष्यंत चौटाला जी। हालांकि सभी पार्टियों के अपने अपने लुभावने दावे हैं और तमाम तरह के अपने अपने वायदे। कांग्रेस भी आज अपना चुनावी पिटारा पेश कर सकती है, यानी चुनावी घोषणा पत्र पेश कर सकती है। देखना होगा कि उनके पिटारे में भी क्या लुभावने वायदे हैं, लेकिन ये जनता है सब जानती है। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।